छात्रों गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने उपकला के बारे में प्रकार के बारे में बताया था। हमने बताया था उपकला जो होती है तीन प्रकार की होती है, जिसमें आच्छादन उपकला, दूसरा जो है ग्रंथिल उपकला और तीसरी जो है विशिष्टीकृत उपकला। हमने बताया था उपकला कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है उपकला, आच्छादन या आवरण उपकला, दूसरा ग्रंथिल उपकला और जो है तीसरा जो है विशिष्टीकृत उपकला या विशिष्ट उपकला। आइए अब हम चलते हैं आच्छादन या आवरण उपकला कवरिंग एपिथेलियम के बारे में चर्चा करें। किसके बारे में? आच्छादन या आवरण उपकला कवरिंग एपिथेलियम के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, आच्छादन उपकला की कोशिकाएं जो होती हैं ये परतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं और ये उपकला दो प्रकार की होती है। क्या हमने बताया कि आच्छादन उपकला की कोशिकाएं जो होती हैं परतों में जो है व्यवस्थित होती हैं। दिस सेल्स ऑफ कवरिंग उपकला एपिथेलियम इज अरेंज इन द स्ट्रेटा। कहने का अर्थ है कि इसकी कोशिकाएं जो होती हैं आच्छादन उपकला की कोशिकाएं परतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं और ये उपकला की दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो उपकला, जिसमें जो है प्रथम को कहते हैं फर्स्ट इज नोन एज सरल या सामान्य उपकला सिंपल एपिथेलियम एंड सेकंड इज नोन एज संयुक्त एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम। तो आच्छादन या आवरण उपकला कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देयर आर टू टाइप ऑफ कवरिंग एपिथेलियम, जिसमें फर्स्ट इज नोन एज सरल या सामान्य उपकला सिंपल एपिथेलियम, सेकंड इज नोन एज संयुक्त उपकला कंपाउंड एपिथेलियम। अब आइए हम चलते हैं सरल या सामान्य उपकला सिंपल एपिथेलियम के बारे में चर्चा करें। किसके? सरल या सामान्य उपकला सिंपल एपिथेलियम के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ये उपकला मुख्य रूप से श्रावण यौन अवशोषण संबंधी जो है शरीर के सतहों पर पाई जाती है और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं आधार कला पर एक परत के रूप में लगी होती हैं शरीर तथा शरीर के विभिन्न भागों पर में जो होती पाई जाती है। फिर से जो है इसको समझिए कि सरल या सामान्य उपकला की व्यवस्था कैसे होती शरीर में। ध्यान दीजिएगा कि यह उपकला मुख्य रूप से शरीर में श्रावण यौन अवशोषण संबंधी सतहों पर पाई जाती है तथा इसकी कोशिकाएं जो होती हैं आधार कला पर एक परत के रूप में जो होती लगी रहती हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों में जो होती पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, यह उपकला जो होती है ये जो है पांच प्रकार की होती है। सरल या सामान्य उपकला जो है ये पांच प्रकार की होती है। नंबर वन आइए, सरल या सल्की उपकला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सेकंड जो है सरल घनाकार उपकला सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड सरल स्तंभाकार उपकला सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम एंड फोर्थ पक्षमाभ या रोमाभ उपकला सीलेटेड एपिथेलियम एंड फिफ्थ कोट स्तरित उपकला स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। तो सरल या सामान्य उपकला कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। नंबर वन सरल या सरल सर्कीपित उपकला, सेकंड सरल घनाकार उपकला, थर्ड सरल स्तंभाकार उपकला एंड फिफ्थ पक्षमाभ या रोमाभ उपकला। इस प्रकार से जो है और जो है ये सारी और फिफ्थ जो है कोट स्तरित उपकला। तो कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की। फिर समझिए, सरल सर्की उपकला, सेकंड जो है सरल घनाकार उपकला, थर्ड सरल स्तंभाकार उपकला, फोर्थ पक्षमाभ या रोमाभ उपकला एंड फिफ्थ कोट स्तरित उपकला। इस प्रकार के से सरल या सामान्य उपकला जो होती पांच प्रकार की होती है। अब आइए हम चलते हैं सर्वप्रथम जो है सरल सर्की उपकला या जो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिए, ये हमने इसका फिगर बनाया हुआ है। ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू का संयोजी ऊतक है, ये जो है आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने बताया था आधार कला में दो स्तर होते हैं, जिसमें आधार पटल जाल पटल दो पार्ट होता है और ये इसकी जो है स्क्वामस एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं, ये इसमें केंद्रक। आइए देखते हैं ये इसकी संरचना कैसे होती है। तो ध्यान दीजिए, सरल सर्की उपकला की कोशिकाएं जो होती पतली चपटी एवं बहुभुजाकार होती हैं, जिनमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा इसकी कोशिकाओं के बाहरी किनारे जो होते हैं मोज़ेक या घरों के जो टाइल्स होते हैं कि भाग जो होते हैं परस्पर सटे होते हैं, इसीलिए इसे खंजी उपकला पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। आइए फिर समझिए, सरल सर्की उपकला
ध्यान दीजिए, ऐसी कोशिकाएं पतली, चपटी एवं बहुभुजाकार होती हैं, जिनमें एक बड़ा केंद्रक होता है, तथा जो है इसके कोशिकाओं की बाहरी सतह घरों के मोजाइक टाइल्स की भांति जो होते परस्पर सटे रहते हैं, इसीलिए इसे जो है खरंजी उपकला पेवमेंट इपिथीलियम भी जो होता कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, इसके क्या कार्य है, ये कहां पर जो होती है स्थित होती है, स्थित एंड पोजिशन के बारे में चर्चा करने, पोजिशन एंड फंक्शन के बारे में चर्चा करें, स्थिति और कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यह उपकला नंबर वन शरीर के बाहरी सतह पर एक प्रोटेक्टिव कवर या रक्षात्मक आवरण जो होती बनाती है। सेकंड, यह विसरण के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में या शरीर के एक ओर से दूसरे भाग में पदार्थों या रासायनिक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करती है। सेकंड, यह हृदय रुधिर एवं लसिका वाहिनियों के गुहा के चारों ओर इंडोथीलियम या कह सकते हैं अंतः उपकला आवरण जो होती है बनाती है। फोर्थ, यह देह गुहा के विभिन्न भागों जैसे जो है बक्ष गुहा, उदर गुहा, हृदय वाणी गुहा एवं जो है फुफ्फुस वाणी गुहा के चारों ओर देह गुहे उपकला जो होती है सिलोमिक इपिथीलियम बनाती है, जिसे पेरिटोनियम भी कहते हैं या इसको मेसोथीलियम भी कहा जाता है। फिर समझिए इसको, ये गुहा के विभिन्न भागों जैसे बक्ष गुहा, उदर गुहा, हृदय वाणी गुहा एवं फुफ्फुस वाणी गुहा के चारों ओर जो है सिलोमिक इपिथीलियम या देह गुहे उपकला बनाती है, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, तथा साथ ही इसे जो है मेसोथीलियम भी कहा जाता है। फिफ्थ, जो है ये आंत के भीतरी सतह पर श्लेष्मिक कला जो है म्यूकस मेम्ब्रेन बनाती है। सिक्स, जो है ये श्वसनिकाओं के छोर बाय कोष्ठकों, हृदय के गोमन संकुट यौन हनन रोग के अवरोही नलिका की दीवार तथा विषण जालक की दीवार भी बनाती है। सिक्स एंड लास्ट, जो है ये मूत्र नलिकाओं में परानिसंयंत्रण का कार्य करती है, अर्थात मूत्र को छानने का या फिल्टर करने का जो होती कार्य करती है। फिर समझिए इसके सरल उपकला के कार्य के स्थिति एवं कार्य के बारे में। नंबर वन, जो है यह शरीर के बाहरी सतह पर रक्षात्मक आवरण बनाती है। सेकंड, यह विसरण के द्वारा शरीर में एक ओर से दूसरे ओर पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट, यह हृदय रुधिर एवं लसिका वाहिनियों के गुहा के चारों ओर इंडोथीलियल या अंतः उपकला आवरण बनाती है। नेक्स्ट फोर्थ, यह देह गुहा के विभिन्न भागों जैसे बक्ष, उदर गुहा, हृदय वाणी गुहा एवं फुफ्फुस वाणी गुहा के चारों ओर देह गुहे आवरण बनाती है, जिसे मेसोथीलियम भी कहा जाता है। फिफ्थ, जो है ये आंत की भीतरी सतह पर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मिक कला बनाती है। सिक्स, यह श्वसनिकाओं के छोर बाय कोष्ठकों, वृक्कों के गोमन संकुट, हेनन लोब की अवरोही नलिका की दीवार तथा विषण जालक की दीवार भी बनाती है। लास्ट, यह मूत्र नलिकाओं में जो है प्राणिसंयंत्रण या अल्ट्राफिल्ट्रेशन का कार्य जो होती है करती है। नेक्स्ट आइए, अब चलते हैं हम सरल घनाकार उपकला सिंपल जो है क्यूबॉइड इपिथीलियम के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में सरल घनाकार उपकला सिंपल क्यूबॉइड इपिथीलियम जान लीजिएगा। ये जो है सरल ये घनाकार उपकला का ये फिगर है, जिसमें नीचे की ओर हमने बनाया है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, उसके ऊपर की ओर जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी हमने बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, आधार कला हमने पहले बताया था, दो पार्ट होते हैं जाल पटल और जो होता है आधार पटल, और इसमें ये ऊपर की ओर इसकी को ध्यान दीजिएगा। घनाकार जो है सरल घनाकार की कोशिकाएं जो होती है वो घनाकार होती है, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में सभी जो होती समान होती है। ध्यान दीजिएगा, सरल घनाकार उपकला की कोशिकाएं जो होती है ये लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई में एक समान होती है, अर्थात घनाकार होती है, तथा इनमें केंद्रक जो होता है ये बड़ा एवं गोल होता है। केंद्रक कैसे होता है, बड़ा एवं गोल होता है। आइए फिर चलते हैं इसके स्थित एवं कार के बारे में, लोकेशन एंड फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए ये इसका क्या क्या कार है। नंबर वन, जो है यह उपकला श्रवण, अवशोषण एवं उत्सर्जन में भाग लेती है। ये उपकला या इसकी कोशिकाएं जो होती शरीर में श्रावण, अवशोषण एवं उत्सर्जन में भाग लेती हैं। सेकंड, ये वृक्क नलिकाओं के कुंडलित भागों, नेत्र की सीलियरी बॉडी एवं रक्त जालक तथा जो है महीन श्वसनिकाओं में पाई जाती है। थर्ड, ये स्तनधारियों की त्वचा की श्वेत ग्रंथियों, थायराइड ग्रंथियां, लार ग्रंथियों, अग्नाशय, यकृत एवं जननांगों की जनन उपकला की घनाकार कोशिकाएं जो होती हैं घनाकार होती हैं या घनाकार कोशिकाओं की जो होती है उपकला बनी होती है। फिर समझिए,
ये इसके स्थिति उपचार के बारे में, ये उपकला श्राम शरीर में श्रावण अवशोषण यौन उत्सर्जन में भाग लेती है। सेकंड, यह वृक्क नलिकाओं के कुंडलित भागों, नेत्र की सिलियरी बॉडी, रक्त जालक, यौन महीन सुष्मिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट, यह स्तनधारियों की त्वचा की श्वेत ग्रंथियों, थायराइड ग्रंथियों, लार ग्रंथियों, अग्नाशय, यकृत, यौन जननांगों की जनन उपकला की कोशिकाएं भी जो है घनाकार कोशिकाओं की जो होती है वो बनी होती है। छात्रों, अभी हम जो है सरल घनाकार उपकला के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम चल रहे हैं सरल स्तंभाकार उपकला या सरल स्तंभी उपकला सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? सरल स्तंभाकार उपकला सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, इस उपकला की कोशिकाएं लंबी यौन आयताकार होती हैं तथा केंद्रक इनमें कुछ लंबा यौन अंडाकार होता है और कोशिकाओं के निचले भाग में जो होते हैं केंद्रक स्थित होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये फिगर है, ये कोशिकाएं लंबी बनी हुई आयताकार है और केंद्रक ध्यान दीजिएगा नीचे की ओर केंद्रक लंबा अंडाकार है। फिर समझिए, इस कला की कोशिकाएं जो है लंबी यौन आयताकार होती है, इनमें केंद्रक कुछ लंबा यौन अंडाकार होता है तथा कोशिकाओं के निचले भाग में स्थित होता है और कोशिकाओं के बीच बीच में इसमें श्लेष्म स्रावित करने वाले गैबलेट कोशिकाएं होती हैं जो दो से तीन दिन तक जो होती जीवित रहती हैं। फिर से समझिए, इसी कोशिकाएं लंबी और आयताकार होती हैं, इनमें केंद्रक कुछ लंबा और अंडाकार होता है तथा कोशिकाओं के निचले भाग ध्यान दीजिए कोशिकाओं के निचले भाग में स्थित होता है और इन कोशिकाओं के बीच बीच में श्लेष्म स्रावित करने वाली म्यूकस स्रावित करने वाली गैबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो दो से तीन दिनों तक जो होती जीवित रहती हैं। अब आइए इसके स्थिति एवं कार्य के बारे में, लोकेशन एंड फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर वन, ये उपकला मुख्य रूप से श्रावण यौन अवशोषण का कार्य शरीर में करती है। दूसरा, यह आंत्र आमाशय यौन पित्ता के भीतरी सतह पर जो है स्थित होती है और यहाँ पर नीचे की ओर संयोजी ऊतक के साथ मिलकर के श्लेष्मिक कला बनाती है। थर्ड, ये आंत्र की अवसर जो है अवशोषी उपकला कोशिकाओं के स्वतंत्र पर कोशिका कला पर अनेक सूक्ष्म मालिकूल होते हैं जिससे यह तल वृष सदृश दिखाई देता है आंत्र में और यह उपकला जो होती है तरल पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। फिर से समझिए, ये उपकला मुख्य रूप से श्रावण यौन अवशोषण का कार्य शरीर में करती है। सेकेंड, यह आंत्र आमाशय यौन पित्ताशय के भीतरी सतह पर पाई जाती है और यहाँ पर नीचे की ओर संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलकर श्लेष्मिक कला या म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती बनाती है। थर्ड, आंत्र की अवशोषी उपकला कोशिकाओं के स्वतंत्र पर कोशिका कला पर अनेक सूक्ष्मांकुर होते हैं जिससे यह तल जो है वृष सदृश दिखाई देता है आंत्र में और यह तरल पोषक पदार्थों के अवशोषण में भाग लेती है, अवशोषण करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं पक्षमाव उपकला या जो है रोमाल उपकला या जो है सिलिकेट एपिथेलियम के बारे में चर्चा कर लें। किसके बारे में? पक्षमाव या रोमाल उपकला सिलिकेट एपिथेलियम के बारे में चर्चा कर लें। ध्यान दीजिएगा, इसकी कोशिकाएं जो होती है कला की कोशिकाएं स्तंभाकार या घनाकार होती है और इन कोशिकाओं की बाहरी स्तंभ ध्यान दीजिएगा यही है, ये इसका फिगर है, ये इसका बाहरी सतह पर इसके जो है सीलिया है। तो इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार या घनाकार होती हैं और इन कोशिकाओं के बाहरी सिरों पर पक्षम या सीलिया जो होते पाए जाते हैं और सीलिया के गत के द्वारा श्लेष्म एवं अन्य पदार्थ आगे की ओर धकेले जाते हैं। फिर समझिए, इसकी पक्षमाव उपकला की कोशिकाएं स्तंभाकार या घनाकार होती हैं और कोशिकाओं के बाहरी सतह पर इनके कोशिकाओं के बाहरी सतह पर सील यानी पक्षम जो होते पाए जाते हैं और सीलिया की गत के द्वारा ये उपकला जो होती श्लेष्म यौन अन्य पदार्थों को आगे की ओर धकेलने का कार्य करती है। कोशिकाओं के आधार पर ये दो प्रकार की उपकला होती है, स्तंभी उपकला और घनाकार उपकला। नेक्स्ट आइए स्थिति एवं कार्य के बारे में चर्चा करने चलते हैं, लोकेशन एंड फंक्शन के बारे में चर्चा करने। देख नंबर वन आइए,
नंबर वन क्या, इसी में सब हमने एक ही में इसको समेट दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यह है उपकला जो होती है श्वसनिकाओं, श्वास नली, अंड वाहिनी, मूत्र वाहिनी तथा मेढक की मुख गुहा की श्लेष्मी कला, मेरुरज की केंद्रीय नलिका और मस्तिष्क की न्यूरोसील या तंत्रिका नलिका कहते हैं, गर्भाशय तथा कर्ण की कर्ण गुहा इत्यादि का भीतरी स्तर बनाती है या कह सकते हैं इत्यादि की भीतरी सतह पर पाई जाती है तथा इनमें यह उपकला जो होती है श्लेष्म एवं अन्य तरल पदार्थों को के बहाव को एक दिशा में संचालित करती है। फिर समझिए, यह उपकला जो होती है श्वसनिकाओं, श्वास नली, अंड वाहिनी, मूत्र वाहिनी तथा मेढक की मुख गुहा की श्लेष्मी कला, मेरुरज की केंद्रीय नलिका, मस्तिष्क की जो है न्यूरोसील, गर्भाशय तथा कर्ण की कर्ण गुहा इत्यादि के भीतरी सतह पर जो होती पाई जाती है तथा इनमें जो है यह कला श्लेष्मियों अन्य तरल पदार्थों को आगे की ओर जो है धकेलने का कार्य करती है, कह सकते हैं तरल पदार्थों के बहाव को एक दिशा में संचालित करती है। अब आइए छात्रों, हम चलते हैं कूटस्थरित उपकला या जो इंग्लिश में इसको कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, किसके बारे में चर्चा करने हैं, कूटस्थरित उपकला। ध्यान दीजिएगा, ये कूटस्थरित उपकला का फिगर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक स्तरीय स्तंभकार उपकला का रूपांतरित, अर्थात यह स्तंभी उपकला का रूपांतरित रूप है, किंतु इसकी कोशिकाएं दो स्तरों में लगी दिखाई देती हैं। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे के इतने समीप होती हैं कि सभी कोशिकाएं इसकी जो होती बाह्य सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसकी जो कोशिकाएं बाह्य सतह तक पहुंचती हैं उनका ऊपरी भाग चौड़ा परंतु निचला भाग जो होता संकरा होता है, और जो कोशिकाएं ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं उनके जो है निचला या आधार भाग चौड़ा होता है एवं ऊपरी भाग या शीर्ष भाग जो होता संकरा होता है, और केंद्रक इनमें जो है कोशिकाओं में केंद्रक चौड़े भाग में स्थित होता है, इसलिए इसमें कोशिकाएं जो होती दो स्तरों में दिखाई देती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका फिगर है, ये कोशिकाएं ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर ये कोशिकाओं का ऊपरी भाग चौड़ा है, नीचे संकरा हुआ है, और इसका नीचे आप देखेंगे जो ऊपर नहीं पहुंच पाए ऊपरी भाग संकरा, निचला भाग चौड़ा है, इसलिए दो स्तरों में जो है इसमें दिखाई देती है। फिर समझिए, यह उपकला जो होती है एक स्तरीय जो है स्तंभाकार या स्तंभी उपकला का रूपांतरित है, किस रूपांतरित रूप है, किंतु इसकी कोशिकाएं दो स्तरों में लगी दिखाई, ध्यान दीजिए इसमें भी दो स्तरों में दिखाई दे रही हैं, दो स्तरों में लगी दिखाई देती हैं। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे के इतने समीप होती हैं कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं बाहरी सतह तक पहुंच नहीं पाती हैं, जो कोशिकाएं ऊपरी सतह तक पहुंचती हैं उनका ऊपरी भाग चौड़ा होता है तथा निचला भाग संकरा होता है, तथा जो कोशिकाएं ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं उनका ऊपरी भाग संकरा होता है एवं निचला या आधार भाग जो होता है चौड़ा होता है। साथ ही इनमें केंद्रक जो होता है कोशिकाओं के चौड़े भाग में स्थित होता है, इसलिए इस उपकला में कोशिकाएं जो होती हैं दो स्तरों में जो होती दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आइए इसके स्थिति एवं कार्य लोकेशन एंड फंक्शन के बारे में चर्चा कर ले, किसके स्थिति एवं कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर वन जो है यह उपकला ट्रेकिया, बड़ी श्वसनिकाओं, नासिका गुहाओं, ग्रसनी, नर जनन वाहिनियों, अधिवृषण, नर की मूत्र वाहिनी इत्यादि में जो होती पाई जाती हैं, और नंबर दो यह श्लेष्म को हटाने का कार्य करती है। फर्स्ट आइए, यह उपकला जो होती है ट्रेकिया, बड़ी श्वसनिकाओं, सरनाशिका गुहाओं, ग्रसनी, नर की जो है नर जनन वाहिनी, अधिवृषण, नर की मूत्र वाहिनी इत्यादि में जो होती पाई जाती है तथा नंबर दो ये श्लेष्म को हटाने का कार्य करती है। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।